हेलो फ्रेंड, आज हम बनाने वाले हैं मिक्स अचार। तो चलिए मिक्स अचार कैसे बनाते हैं आप मेरा रेसिपी पूरा शुरू से लेकर पूरा देखिएगा। ये अचार खाने में बहुत टेस्टी लगती है। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं मिक्स अचार। हेलो फ्रेंड, आपको हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं अचार। तो देखिए, मैं अचार में मिक्स अचार हम बनाएंगे। तो ये आंवला है, ये गाजर है, ये चार मूली है, ये काचरा बोलते हैं इसको, सूखा मिर्चा है, ये हरा मिर्चा है, नींबू है, ये लहसुन है, मटर है। तो मैं सबको फ्रेंड पहले हम सबको अच्छे से धोकर काट लेंगे, उसके बाद गर्म पानी में उबालेंगे, फिर हम इसको धूप में सुखाएंगे और फिर हम इसके अचार लगाएंगे। तो आप मेरे वीडियो पूरा देखें और वीडियो पर बने रहें। और ये अचार खाने में बहुत टेस्टी लगता है, सिर्फ़ एक दिन लगता है इसको बनाने में। तो आप मेरे वीडियो पे बने रहे। देखिए फ्रेंड, मैंने सारा मूली गाजर सब मैंने काट लिया है। तो हम इसको पानी में उबाल लेंगे। ये देखिए, नींबू भी काट के रखा है, तो नींबू को नहीं उबालेंगे। लहसुन छील लिया है, के लिए बैठा दिया है। इसको ज़्यादा नहीं उबालना, हल्का ही उबालना है। फिर मैं हल्दी लगा इसको धूप में सुखाएंगे एक दिन, फिर हम आपको अचार लगा के दिखाएंगे। तो मेरे वीडियो फ्रेंड देखिए, हमारे सारे उबल गए हैं। तो हम इसको हम निकाल लेंगे पानी में। देखिए, मैंने ज़्यादा नहीं उबाला है। और ये देखिए, मैंने नींबू काट लिया है। तो ये नींबू में हल्दी डाल के धूप में एक दिन के लिए सुखा लेंगे हम। ये देखिएगा, ये मैं मटर भी इसमें डाल देंगे पानी में। मटर को ज़्यादा नहीं उबालना है। ये लहसुन है, तो लहसुन को भी हम डाल देंगे। बस इस पानी में ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा। और ये देखिए, मैंने सारा उबाल लिया है। या थोड़ा ठंडे हो जाते हैं, फिर हम हल्दी लगा के धूप में रखेंगे। तो आप मेरे वीडियो पर बने रहिएगा फ्रेंड। देखिए, हमारा सारा पानी सोख गया है, ठीक है ना। तब चलिए हम इसमें अब हम हल्दी डाल के धूप में सुखाना शुरू करते हैं। तो आप मेरे वीडियो पर बने रहिए। ये देखिए, दो चम्मच हल्दी डालेंगे, इस नींबू में भी हल्दी डाल लेंगे हम। इसको एक दिन सिर्फ धूप में रखना है अच्छे से इसको, फिर आपके अचार ख़राब नहीं होंगे। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड, मैंने पूरा हल्दी लगा लिया है। चलिए इसको धूप में फैला लेते हैं। ये देखिए, मैंने थाली में पूरा फैला लिया है। तो चलिए धूप में रख के आते हैं। ये देखिए, मैंने धूप में रख दिया है, नींबू को भी रख दिया है। बस कल हम आपको अचार लगा के दिखाएंगे। हेलो फ्रेंड, देखिए हमारा नींबू में जो मैंने हल्दी लगाया था, मेरा नींबू सूख गया है। ये देखिए, अच्छे से एकदम सूख गया। और ये देखिए, मैंने गाजर मूली जो भी सब हम डाल के सुखाए थे, सारे सूख गए हैं। तो चलिए हम अचार लगा लेते हैं। पाव तेल गरम कर लिया है। और ये देखिए, मसाला है, तो मसाला को हम भूज लेंगे। राई है, सौंफ है, मेथी है, थोड़ा सा जीरा है। तब सब मसाले को अच्छे से भूज ले। ये देखिए, मैंने पैन बिठा दिया है, हम इसमें सारे मसाले डाल के भूज लेंगे। फिर उसको हम पीस लेंगे मिक्सी में डालकर। देखिए, मेरे सारे मसाले भूज गए हैं। हम गैस बंद कर लेंगे, हमको ज़्यादा नहीं भूजना है इसको। देखिए, मैंने मिक्सी में डाल लिया है। अब हम इसको औजार पीस लेंगे। ये देखिए फ्रेंड, मैंने मसाले पीस लिए हैं, ऐसा ही चाहिए हमें मसाला। तो चलिए अचार लगाना शुरू कर फ्रेंड। देखिए, मैं परात में डाल लेते हैं। अब इसमें हम सारे मसाले डालेंगे। ये देखिए, मसाले डाल रहे हैं हम। लाल मिर्चा पाउडर, ये मिक्स मसाले हैं, तो हम भी डाल लेंगे। मसाले खाने में बहुत टेस्टी लगती है। नमक,
एक चम्मच ही डालेंगे, आधा चम्मच हल्दी। अब सबको मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हम सारे सबको मिक्स कर लेते हैं मसाले को अच्छे से। अभी इसमें हम ऑयल डालेंगे जो मैंने गरम ऑयल किया था। ये देखिए थोड़ा गर्म ही है, गर्म ही गर्म डालना है। देखिए अच्छी खुशबू आ रही है। ये देखिए हमारा अचार एकदम अच्छे से मिक्स हो गया है, तो हम डब्बे में डाल लेंगे। फ्रेंड देखिए हमारा अचार लग गया है एकदम, आप इसको खा सकते हो। ये इतनी टेस्टी बनी है, आप हमारे तरीके से अचार लगा के ज़रूर खाना। फ्रेंड मेरी रेसिपी कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। मैंने बनाया मिक्स अचार। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक से बाय फ्रेंड।